तो गाइस हमारे साथ एक प्रॉब्लम आती है कि हम कॉलिंग के समय कहीं पे कॉल करते हैं तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जो हमारा कॉलिंग के समय जो डिस्प्ले का लाइट है ना वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे नंबर है, जैसे कि मैं किसी पे कॉल करूँगा ना तो क्या होता है कि जो हमारा डिस्प्ले का लाइट है दोस्तों वो ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम मान लो इस नंबर पे कॉल करते हैं तो क्या होगा इस समय कि हमारा जो डिस्प्ले का लाइट है वो बंद हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। अब दोस्तों जैसे कि आप जान गए हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम आखिर क्यों आती है। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो ये प्रॉब्लम आपको किस प्रकार से ठीक करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ क्यों आती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आने का क्या रीज़न है इस बारे में हम पहले बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग एक नया मोबाइल परचेज़ करते हो मार्केट से, और परचेज़ करने के बाद उसे 1 साल या 2 साल यूज़ करते हो अच्छे से, उसके बाद आप ऑटोमेटिक देखोगे कि उसके साथ एक प्रॉब्लम आ सकती है कि जब कॉल करोगे आप लोग तो आपका जो डिस्प्ले का लाइट है वो ब्लैंक हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आने से कोई भी आपके फ़ोन पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप लोग डर रहे हो तो आप लोग बिल्कुल भी मत डरो। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। वैसे तो दोस्तों अगर आपको ये सेटिंग मिल जाती है आपके मोबाइल में तब ये प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर सकते हो, अगर ये सेटिंग नहीं मिलती है तो दोस्तों थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग को दोस्तों डायल पैड को ओपन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डायल पैड ओपन करने के बाद आपको क्या करना है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम डायल पैड ओपन किए हैं और आपको भी डायल पैड ओपन करना है। अब यहाँ पे हमको बता दें कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको डायल पैड के प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेटिंग का, नीचे में आप लोग देख सकते हो सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे ये क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे सेटिंग पे, इसके बाद एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कॉल स्क्रीन सेटिंग का, तो आपको यहाँ पे प्रेस करना है। जैसे आप लोग प्रेस करोगे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा टर्न ऑन प्रॉक्सिमिटी सेंसर, तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है ना यहाँ से आपको दोस्तों सिंपल सा बंद कर देना है। तो जैसे आप लोग ये सेटिंग बंद करोगे आपके साथ जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग ये सोचोगे कि मैं स्क्रीनशॉट क्यों दिखा रहा हूँ, तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो है दोस्तों कम ही फ़ोन में ये सेटिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर ये सेटिंग मिलती है तो ये प्रॉब्लम आप लोग बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे। अब जिनके में सेटिंग ये नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं जो है बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। तो सिंपल से आपको सेटिंग में जाना है, तो हम यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करते हैं। तो ये हम सेटिंग पे चले आए। चले जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है क्या करना है। तो यहाँ पे हम नीचे जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग, तो आपको एडिशनल सेटिंग पे जाना है। एडिशनल सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो ऑप्शन कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रेस प्रेस पावर बटन टू इंड कॉल, तो ये जो ऑप्शन है ये रहेगा ऑफ, तो इसे कर देना ऑन। इससे क्या होगा कि जैसे दोस्तों आप लोग कॉल करोगे तो आपका डिस्प्ले लाइट क्या होता है कि बंद होता है, बंद हो जाता है। तो जैसे आप लोग पावर बटन को एक बार प्रेस करोगे आपका डिस्प्ले का लाइट है वो ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये ऑफ रहने से अच्छा है कि आप लोग ये सेटिंग कर लो, जैसे पावर बटन प्रेस करोगे ये स्क्रीन ऑन हो जाएगा। ठीक है, और जो मैंने आपको सेटिंग बताई वो सेटिंग मिल जाती है तो बहुत अच्छी है, अच्छी बात है। ये प्रॉब्लम आप लोग 100% लाइफ टाइम के लिए सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर फिर भी ये सेटिंग नहीं मिलता है तो मैं आपको लास्ट एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप लोग ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर चेंज करवा सकते हो। ठीक है, हालांकि ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर मार्केट में जल्दी अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन के साथ कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों बस इतना ही वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें दोस्तों जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है।